सेल। अरे क्या बात कर रही हो, सेल? वाओ सेल, कभी भी नहीं जाऊंगी मैं सेल में शॉपिंग करने, सीरियसली कभी भी नहीं। सेल कब, कहाँ लगी यार, इसी का तो इंतजार था। सेल लगी है, गरिमा को फोन करती हूँ। हेलो, हाय गरिमा, क्या कर रही है? मुझे ना पूरे साल बस इसी टाइम की वेट रहती है कि कब मेरे फेवरेट ब्रांड्स में सेल लगे और मैं फटाफट से जाके खरीद लूं। आई मीन इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। इतनी भीड़ होती है, इतने सारे लोग होते हैं, कोई आपको आपकी साइज का कपड़ा भी नहीं दिखाता, कोई आप में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा होता, इट्स वेरी इरिटेटिंग। मुझको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सेल। अरे यार, डेनिम्स लेने थे, प्लाजो लेने थे, दो तीन टॉप्स लेनी थी, बहुत कुछ लेना है, लिस्ट बना लेती हूँ। हाय प्रीति, कैसी है? तुझे पता है बहुत सारे ब्रांड्स में सेल लगी है, बहुत सारे। प्लीज चल यार, तुमने पिछले वीकेंड मुझे मना कर दिया था यार, मुझे प्लीज चल यार, मैं क्या करूँगी, अकेले नहीं जाना चाहती, प्लीज चल ले। ठीक है बाय। सब कुछ खरीद लूंगी, इतने कपड़े खरीदूंगी कि हर रोज ऑफिस में नए नए कपड़े पहन के जाऊंगी, कितना मजा आएगा, सबको जेलस भी फील कराऊंगी। सेल में ना सिर्फ हड़पने की भीड़ लगी होती है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, चाहे पसंद आए चाहे ना आए, मतलब जो कपड़ा दूसरा देख रहा होगा ना, क्योंकि सेल है तो मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। यार रीना की भी तो शादी है, इसी सेल से कपड़े लेती हूँ। ए रीना की शादी तो अगले साल है। तो क्या हुआ, किसी और की शादी में पहन लूंगी, तेरे में पहन लूंगी। कौन चलेगा, कौन चलेगा मेरे साथ? चुप करा, देख दिव्या चलेगी मेरे साथ। हाय दिव्या, फ्री है? सेल लगी है, चलेगी शॉपिंग करने मेरे साथ? अरे छोड़ो यार, पैसे ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम ही जाना पड़ेगा। इतनी लंबी लाइन, मतलब बिलिंग काउंटर पे जाओ दो लाइन, ट्रायल रूम में जाओ दो लाइन, ऐसा नहीं लगता सेल लग रही है, ऐसा लगता है फ्री में माल बट रहा है, फ्री में। यार मामा के लिए कुर्ती ले लेती हूँ, भाभी के लिए भी ले लेती हूँ, वो भी क्या याद रखेंगी, भाई के लिए भी ले लेती हूँ। अरे सेल है। अच्छा चल ठीक है बाय। छोड़ो यार, मैं खुद ही चली जाती हूँ, सेल लगी है मजा आएगा।